स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु अमोंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है बच्चों? तो कहेंगे यूटिलिटी का मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर, यानी कि किसी भी गुड्स में एक पावर होता है जिससे कंज्यूमर का वांट सेटिस्फाइड किया जाता है, तो उसी पावर को हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। जिस गुड्स में यूटिलिटी नहीं होगा, लोग उसका डिमांड नहीं करेंगे। जिस गुड्स में यूटिलिटी है तभी लोग उसका डिमांड करते हैं। तो यूटिलिटी का मतलब गुड्स के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है, एक ऐसा पावर होता है जिससे कंज्यूमर का वांट सेटिस्फाइड होता है। यानी कह सकते हो एक ऐसा गुड्स जो कंज्यूमर के वांट को सेटिस्फाइड कर दे, इसका मतलब कि उस गुड्स में यूटिलिटी है। अब बच्चों, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इस पे दो कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कार्डिनल कॉन्सेप्ट। कार्डिनल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यूटिलिटी को मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। ये कहना है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का। यानी कि अल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल कॉन्सेप्ट को प्रपोंड किया, कार्डिनल कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया, और प्रोफेसर मार्शल का मानना है कि यूटिलिटी को हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। लेकिन कुछ और भी पक्ष है। एक है आपका ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट का मतलब, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट को किसने प्रपोंड किया? प्रोफेसर हिक्स ने। तो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है? तो प्रोफेसर हिक्स ने कहा है कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। यूटिलिटी कंज्यूमर के मेंटल स्टेटस पे डिपेंड करता है, आप उसको एक्यूरेट में मेजर नहीं कर सकते हैं, या कोई भी टर्म में आप उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो यूटिलिटी का मेजरमेंट पे दो आर्गुमेंट है बच्चों। एक आर्गुमेंट क्या है कि यूटिलिटी को मनी के टर्म में मेजर किया जा सकता है, या हमारा कार्डिनल कॉन्सेप्ट, किसने परफॉर्म किया? प्रोफेसर मार्शल। और एक है यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है, यूटिलिटी इज जस्ट लाइक एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, जो कंज्यूमर के मेंटल स्टेटस पर डिपेंड करता है। तो यानी कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है, ये ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट हुआ। और इसको किसने परफॉर्म किया? प्रोफेसर हिक्स ने। तो अब बच्चों, क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दो। हु अमोंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द कार्डिनल कॉन्सेप्ट। कार्डिनल कॉन्सेप्ट यूटिलिटी का किसने प्रेजेंट किया, किसने प्रपोंड किया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। आंसर हो गया ए बच्चों। नेक्स्ट, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन। बच्चों, आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक्स में दो मेन ब्रांचेज है। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक हो गया बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का स्टडी किया जाता है, या इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल का स्टडी किया जाता है। जैसे कि एक कंज्यूमर का डिमांड ले लो, कंज्यूमर बिहेवियर ले लो, ये सारे आपके माइक्रो वेरिएबल्स है, इंडिविजुअल वेरिएबल्स है। तो ये सारे वेरिएबल्स का स्टडी कौन से इकोनॉमिक्स में करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? होल इकोनॉमिक यूनिट का स्टडी किया जाता है, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल प्रोडक्शन, टोटल डिमांड, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारा जो मैक्रो वेरिएबल है, होल इकोनॉमिक यूनिट है, ये सारा यूनिट्स का स्टडी हम किस में करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो बच्चों, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है बच्चों? होल इकोनॉमिक यूनिट का स्टडी करते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो वेरिएबल्स का स्टडी किया जाता है। मैक्रो वेरिएबल्स में आ जाएगा जैसे कि टोटल प्रोडक्शन या एग्रीगेट प्रोडक्शन, टोटल डिमांड या एग्रीगेट डिमांड, टोटल सप्लाई या एग्रीगेट सप्लाई। इनकम थ्योरी बच्चों, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब बच्चों, एक कंज्यूमर के बिहेवियर का स्टडी करना। एक कंज्यूमर आपका इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट हो गया, और इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का स्टडी हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मार्शल द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अभी थोड़ी देर पहले बताया बच्चों कि अकॉर्डिंग टू मार्शल यूटिलिटी को हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? मनी।
यूटिलिटी का मेजरमेंट का दो कॉन्सेप्ट है बच्चों, एक कार्डिनल कॉन्सेप्ट और एक ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। कार्डिनल कॉन्सेप्ट कहता है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं और किस टर्म में मेजर कर सकते हैं, मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, यह प्रोफेसर मार्शल का कहना है। लेकिन प्रोफेसर हिक्स ने क्या कहा है कि यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, ये ऑर्डिनल व्यू पॉइंट हो गया। तो सिंपल सा आंसर हो गया बच्चों मनी। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज कॉल्ड यूटिलिटी। गुड्स में एक एबिलिटी होता है, क्षमता होता है, पावर होता है, जिससे कंज्यूमर का वांट सेटिस्फाइड होता है, उसे हम लोग यूटिलिटी कहते हैं बच्चों। आंसर हो जाएगा सी, यूटिलिटी। नेक्स्ट है द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड्स। देखो बच्चों, नॉर्मल गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, नॉर्मल गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो गुड्स का डिमांड डिक्रीज होगा, और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो गुड्स का डिमांड इंक्रीज होगा। अगर इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे कि मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस को पी ले लो, डिमांड क्यू ले लो। अगर प्राइस हम बढ़ाते हैं तो डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा। नॉर्मल गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है बच्चों, और प्राइस कम करेंगे तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये देखो बच्चों कैसा स्लोप बना, लेफ्ट ऊपर से राइट नीचे की ओर, इसको कहते हैं निगेटिव स्लोप। कौन सा स्लोप? निगेटिव स्लोप। तो नॉर्मल गुड्स में डिमांड कर क्या होता है, निगेटिव स्लोप में होता है। हमेशा याद रखो कि नॉर्मल गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। तो बच्चों आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, पॉजिटिव गुड्स कहाँ अप्लाई होगा, तो जो गिफिन गुड्स होता है। गिफिन गुड्स में क्या होता है कि प्राइस कम होने पर भी डिमांड कम रहता है। जैसे मान लो ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ले लिए, प्राइस मान लो पी, डिमांड मान लो क्यू। गिफिन गुड्स में क्या है कि प्राइस कम ही रहता है उसका, तो प्राइस कम होने पर भी लोग उसको कम ही खरीदते हैं, डिमांड क्या रहता है, कम रहता है। कैसा स्लोप बन गया बच्चों, पॉजिटिव स्लोप बन गया। तो गिफिन गुड्स में डिमांड कर पॉजिटिव स्लोप में, लेकिन नॉर्मल गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, जिसके कारण डिमांड कर निगेटिव स्लोप में होता है। आंसर हो गया बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है वैसा गुड्स जिसका एक दूसरे के बदले यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास टी है, तो टी नहीं है तो उसके जगह पे कॉफ़ी पी लिए, शुगर के जगह हम गुड़ का यूज कर लिए। तो एक दूसरे के बदले यूज होने वाले गुड्स को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो टी और शुगर ये बच्चों आपका तो साथ साथ होता है ना, कम्प्लीमेंट्री गुड्स में आ जाएगा। कम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है वह गुड्स जिसका हम साथ साथ यूज करते हैं। पेन एंड इंक ये भी कम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया बच्चों। शूज एंड सॉक्स ये भी कम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। लेकिन टी एंड कॉफ़ी क्या होता है बच्चों, एक दूसरे के जगह एक दूसरे के बदले यूज करते हैं हम लोग। तो टी एंड कॉफ़ी आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। दो तरह का रिलेटेड गुड्स होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट और एक होता है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब वह गुड्स जिसका एक दूसरे के बदले यूज करते हैं, जैसे कि टी के जगह कॉफ़ी, शुगर के जगह गुड़। लेकिन कम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है जो वह गुड्स जो साथ साथ यूज हो, जैसे टी के साथ हम शुगर यूज करते हैं, आप ले लो सूज के साथ सॉक्स यूज करते हैं, पेन के साथ इंक यूज करते हैं। तो पेन और इंक साथ यूज करना, टी और शुगर साथ यूज करना, सूज और सॉक्स साथ यूज करना, ये आपका कम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। तो बच्चों सब्स्टिट्यूट क्या है, टी एंड कॉफ़ी। नेक्स्ट, फॉर विच गुड्स डज द कंज्यूमर डिक्रीज द डिमांड व्हेन इनकम इंक्रीजेज। क्या बोल रहा है बच्चों कि कंज्यूमर का जब इनकम इंक्रीज हो, इनकम बढ़ेगा, तो डिमांड कौन सा गुड्स का डिमांड डिक्रीज होगा, ये आपको बताने हैं। यानी कि कंज्यूमर डिक्रीज द डिमांड, यानी कि कंज्यूमर कौन सा गुड्स का डिमांड कम कर देता है जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा। बच्चों आप लोग पढ़े होंगे डिमांड कई टाइप का होता है, जिसमें एक है आपका इनकम डिमांड। इनकम डिमांड क्या कहता है कि जब कंज्यूमर किसी सर्टेन टाइम में अपने इनकम का यूज कर कर गुड्स का जितना क्वांटिटी खरीदता हो या खरीदने के लिए रेडी हो, उसे हम लोग इनकम डिमांड कहते हैं। और इनकम डिमांड को हम दो भागों में बांटे थे बच्चों, एक इन्फेरियर गुड्स के लिए और एक क्या था बच्चों, सुपेरियर गुड्स के लिए। इन्फेरियर गुड्स का मतलब होता है कि जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो इसका डिमांड कम कर देगा। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो एक ग्राफ, इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर देते हैं, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इनकम मान लो वाई हो गया, डिमांड क्यू हो गया।
इन्फेरियर गुड्स में क्या होता है कि कंज्यूमर का इनकम जैसे ही बढ़ता है, कंज्यूमर इन्फेरियर गुड्स का डिमांड क्या करता है, कम कर देता है, क्योंकि उसके पास इनकम है, उसके पास पैसा आ गया, वो बढ़िया सामान खरीदेगा ना। लेकिन जब कंज्यूमर का इनकम कम होता है तब कंज्यूमर के पास मजबूरी होती है, तब वो क्या करता है, इन्फेरियर गुड्स का डिमांड करने लगता है। तो यहाँ पे निगेटिव स्लोप बन रहा है बच्चों, यानी कि कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो इन्फेरियर गुड्स का डिमांड कम होगा। वहाँ यहाँ पे वही कह रहा है ना बच्चों कि वेन कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होगा तो कौन से गुड्स का डिमांड डिक्रीज होगा, इन्फेरियर गुड्स। सुपेरियर गुड्स में सीधा सीधी होता है कि जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तभी लोग सुपेरियर गुड्स का डिमांड क्या करते हैं, अधिक करेंगे, क्योंकि उसके पास पैसे आ रहे हैं। और जब कंज्यूमर का इनकम कम होगा तो सुपेरियर गुड्स का डिमांड क्या करते हैं, कम करते हैं। यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव स्लोप बनता है। तो फॉर विच गुड्स डज द कंज्यूमर डिक्रीज द डिमांड व्हेन इनकम इंक्रीजेस, कौन सा गुड्स के लिए बोल देंगे बच्चों, इन्फेरियर गुड्स, आंसर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर डिक्रीज इन डिमांड, इनमें से बताना कि डिमांड डिक्रीज होने के क्या कारण है। बच्चों डिमांड डिक्रीज होने के बहुत सारे कारण होते हैं, प्राइस फैक्टर को छोड़कर, यानी कि प्राइस को नहीं लेना है, बाकी सारे फैक्टर्स चेंज होंगे, मतलब यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेगा बच्चों। डिक्रीज इन डिमांड में प्राइस आपका क्या है, कांस्टेंट होने चाहिए, प्राइस शुड बी कांस्टेंट। तो प्राइस कांस्टेंट को छोड़कर, प्राइस फैक्टर को छोड़कर और भी कई रीजन से डिमांड चेंज हो, ये उसको हम कहते हैं, या जिसके कारण से डिमांड आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो देखो प्राइस का यूज नहीं होगा ऑप्शन में। डिक्रीज इन डिमांड क्या होगा, इनकम डिक्रीज होने के कारण, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ बायर्स डिक्रीज होने के कारण, बिल्कुल सही। कंज्यूमर का टेस्ट कम होने के कारण, बिल्कुल सही। तो तीनों कारण हैं डिमांड में डिक्रीज होने के, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच एलिमेंट मस्ट बी कंटेंट इन डिमांड, आप लोग डिमांड का डिफिनीशन पढ़े होंगे, तो डिमांड में कुछ इनहेरेंट एलिमेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट है, कंज्यूमर को खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए, तो ये बच्चों डिमांड का इनहेरेंट एलिमेंट है। जब तक कंज्यूमर खर्च करने की इच्छा नहीं रखेगा, गुड्स का डिमांड नहीं कर पाएगा, तो डिजायर टू कंज्यूम क्या है आपका, एलिमेंट हो गया। एबिलिटी टू पे प्राइस, आपके पास क्षमता होनी चाहिए कि आप प्राइस पे कर सकते हो, और जब तक प्राइस नहीं पे कर सकते हो आप गुड्स खरीद नहीं पाओगे, तो ये भी बच्चों एलिमेंट है डिमांड का। विलिंगनेस टू स्पेंड, खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए, तो ये भी डिमांड का एलिमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर विच टाइप ऑफ गुड्स ए फॉल इन प्राइस डज नॉट लीड टू इंक्रीज इन डिमांड, यहाँ पे बच्चों क्या कह रहा है कि प्राइस कम हो रहा है लेकिन डिमांड इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन से गुड्स में, कंफर्ट गुड्स लेते हैं, कंफर्ट गुड्स का प्राइस कम कर दो। कंफर्ट गुड्स का एग्जांपल ले लो, जैसे एसी मान लो अभी मार्केट में 30,000 मिल रहा है, अब एसी का प्राइस मान लो 25,000 कर दो, तो लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, यानी कि इसका डिमांड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये नहीं आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है कि गुड्स का प्राइस कम होने पर डिमांड इंक्रीज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एसी का प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड पे इंक्रीज होगा, ये लोग तो टूट पड़ेंगे खरीदने के लिए। लग्जरी गुड्स का में भी आप देखोगे कि अगर प्राइस कम होगा तो लोग खरीदना शुरू करेंगे, यानी कि और खरीदा और इसका डिमांड बढ़ेगा। तो लग्जरी गुड्स में भी आपका क्या होगा कि प्राइस कम कर दो तो डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नेसेसरी गुड्स में ले लो, जैसे सॉल्ट, नमक ले लो, नमक में क्या देखोगे कि इसका प्राइस कम भी कर दो तो लोग थोड़ी ना ज़्यादा खरीदेंगे, जितना ज़रूरत होगा उतना ही तो नमक खरीदेंगे ना। तो नमक में क्या होगा कि अगर प्राइस कम होने पर भी इसका डिमांड इंक्रीज नहीं होता है, जितना पहले डिमांड था अभी भी उतना ही डिमांड रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नेसेसरी गुड्स। फॉर विच टाइप ऑफ गुड्स, यानी कौन सा गुड्स बताना आपको जिसमें उसके प्राइस कम होने पर डिमांड इंक्रीज नहीं होता है, तो नेसेसरी गुड्स। जैसे एग्जांपल में सॉल्ट ले लो, नमक ले लो, नमक का प्राइस कम कर दो तो नमक हम अधिक खरीद लेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, नमक का डिमांड आपका सेम रहेगा चाहे प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो। तो यही कह रहा है बच्चों क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा, नेसेसरी गुड्स। लॉ ऑफ डिमांड इज, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है बच्चों, तो इफ अदर थिंग्स बिंग इक्वल, अगर अन्य बातें समान रहे, मतलब कि प्राइस को छोड़कर डिमांड के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो, तो उस केस में अगर गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो
तो गुड्स का डिमांड डिक्रीज हो जाता है, और अगर गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो तो गुड्स का डिमांड इंक्रीज हो जाता है। मतलब कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन पाए जाते हैं, इन्वर्स रिलेशन होता है, यही लॉ ऑफ डिमांड है बच्चों। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या कर रहा है, एक प्राइस और डिमांड के बीच के रिलेशन को बता रहा है बिना न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे स्पेसिफाई किए हुए, तो इसलिए इसको कहते हैं क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। मतलब सीधा सीधे समझो, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू स्पेसिफाई नहीं किया जाता, विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू प्राइस और डिमांड के बीच के जो जनरल रिलेशन है उसी को लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज नहीं हो रहा है, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड क्या हो गया बच्चों, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। क्वांटिटेटिव कब होता है, जब न्यूमेरिकल वैल्यू स्पेसिफाई होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए, लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ एक्स्ट्रा एवरी एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। बच्चों देखना, जैसे कि मान लो कोई गुड्स का यूनिट ले लेते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी ले लेते हैं। आप लोग पढ़े होंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़े होंगे आप लोग, चैप्टर 3 देख लेना, कंज्यूमर्स बिहेवियर, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर है, उसमें आप लोग देख लेना प्लेलिस्ट में। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या था कि जैसे ही जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन करते जाते हैं, मान लो मार्जिनल यूटिलिटी है जैसे 20, 15, 11, 6, 5, 0। यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा यूनिट हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते जा रहा है बच्चों, कम होते जा रहा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ एवरी एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीज। जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाएगा। इसी को कहते हैं बच्चों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और एक समय ऐसा आता है जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाता है, यानी कि उस स्टेज पे उस यूनिट पे कंज्यूमर अपने आप को फुल्ली सेटिस्फाइड पाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। जैसे यहाँ देखो, एक गुड्स का 6 यूनिट यूज करने पर मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब कि कंज्यूमर 6 यूनिट यूज करने के बाद पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। तो आंसर बच्चों ए हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द यूज ऑफ एवरी एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी डिक्रीज। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स में होल इकोनॉमिक यूनिट का स्टडी करते हैं। होल इकोनॉमिक यूनिट्स में क्या क्या आ जाएगा, तो नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट प्रोडक्शन, एग्रीगेट प्राइस लेवल, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सारे जहां जिसमें एग्रीगेट देखो यानी कि टोटल देखो आपका क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसका स्टडी होगा। तो फुल एम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होता है, एग्रीगेट प्राइस लेवल का भी स्टडी होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब बच्चों नेशनल इनकम, तो तीनों बच्चे हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ, स्मिथ तो पता ही बच्चों, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, लेकिन ये ओल्ड इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कहा जाता है जे एम किन्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे प्रिंसिपल्स इन्होंने प्रपोंड किए, इन्होंने डिस्क्राइब किए हैं। तो मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फादर है किन्हें कहा जाता है, जे एम किन्स। मार्शल और पीगू, आपका मार्शल और हिक्स, ये बहुत बड़े इकोनॉमिक्स हैं, लेकिन इनको हम फादर नहीं कह सकते हैं। इन्होंने इकोनॉमिक्स को बहुत ही ग्रो किया, डेवलप किया, लेकिन बेसिकली फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, लेकिन मॉडर्न आपका इकोनॉमिक्स का जो फादर है उनको कहा जाता है जे एम किन्स। आंसर सी बच्चों। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्लो। फ्लो का मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या फ्लो ऑफ इनकम ले लो, या तो इनमें से कौन कौन फ्लो ऑफ इनकम है। कंजम्पशन, बिल्कुल, कंजम्पशन जब रुक जाएगा तो इकोनॉमी रुक जाएगा, फ्लो ऑफ इनकम रुक जाएगा, तो कंजम्पशन बच्चों फ्लो में इंक्लूड है। इनकम भी बच्चों, इनकम भी फ्लो में इंक्लूड है। कभी कभी क्या होता है कि आपका लीकेज हो जाता है इकोनॉमी में, तो इंजेक्ट किया जाता है, मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी बच्चों फ्लो में आ जाएगा।
तो तीनों इकोनॉमी का फ्लो है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ डिज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल स्टॉक। वेरिएबल स्टॉक कौन सा है यहाँ पे, वेल्थ। बच्चों, वेल्थ को वेरिएबल स्टॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेल्थ जो है पूरा एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। वेल्थ मतलब धन, वेल्थ टोटल एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वेल्थ को क्या कहते हैं, वेरिएबल स्टॉक कहते हैं। आंसर हो जाएगा बच्चों ए। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। कैपिटल आपका बढ़ेगा उसे कहते हैं कैपिटल का निर्माण होना, कैपिटल फॉर्मेशन। और कैपिटल जब कम होगा, घाटे में जा रहे हो, तो उसको कहते हैं कैपिटल लॉस। तो यहाँ पे बच्चों इंक्रीज हो रहा है ना, तो इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल उसे हम कहते हैं कैपिटल बन रहा है, कैपिटल फॉर्म्ड हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन। आंसर सी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब आपका प्राइमरी सेक्टर ले लो। प्राइमरी सेक्टर में क्या आ जाएगा, तो प्राइमरी सेक्टर में होता है बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल तैयार करना। जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल तैयार किए जाते हैं वो सेक्टर आपका प्राइमरी सेक्टर होता है। जैसे एग्रीकल्चर ले लो, आप ले लो पशुपालन ले लो, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी ले लो, ठीक है, बहुत सारा चीज़, पोल्ट्री फार्म ले लो, ये सारे चीज़ क्या हो जाएंगे, प्राइमरी सेक्टर में होते हैं। तो सीधा सीधे देख रहा है एग्रीकल्चर बच्चों, एग्रीकल्चर आपका क्या है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। एग्रीकल्चर कौन सा एक्टिविटी है, प्राइमरी सेक्टर का। आंसर ए। नेक्स्ट, विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाई फैमिलीज टू फार्म। मान लो ये एक तरफ फैमिली ले लो, फैमिली मतलब हाउस होल्ड सेक्टर, और एक तरफ ले लो फार्म, फार्म मतलब प्रोडक्शन सेक्टर। तो कौन सा सर्विसेज फैमिली सेक्टर से फार्म सेक्टर को जाती है, लैंड। बिल्कुल बच्चों, फैमिली ही फार्म को लैंड प्रोवाइड करती है। तो ये आपका फ्लो हो जाएगा, लैंड का फ्लो होता है बच्चों फैमिली सेक्टर से फार्म सेक्टर की ओर। लेबर, बिल्कुल लेबर भी कहाँ से मिलेंगे, परिवार से ही मिलेंगे ना, तो लेबर का भी फ्लो फैमिली सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर की ओर होता है। कैपिटल भी, कैपिटल और इंटरप्राइज, इंटरप्रेनर जो होते हैं, जो रिस्क लेने वाले होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, इनका भी फ्लो कैसे होगा, फैमिली सेक्टर से फार्म सेक्टर की ओर। तो तीनों हो जाएंगे बच्चों, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, व्हाट आर सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स का मतलब क्या होता है, वह गुड्स जो आधा बना है और आधा बनने वाला है, मतलब कि अभी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं है। तो कैपिटल गुड्स तो बच्चों ये फिनिश गुड्स में आ जाएगा, फाइनल गुड्स तो नाम ही से लग रहा है, ये भी फिनिश गुड्स में। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब कि अभी पूरी तरह बना नहीं है, ये अभी तक इनपुट है। इनपुट का मतलब कि इसको और किसी गुड्स के प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, वैसे गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। जैसे रबर ले लो, स्टील हो गया, ये ले सकते हो, प्लास्टिक हो गया, लेदर हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं। क्योंकि रबर से बहुत सारा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, स्टील से बहुत सारा प्रोडक्ट बनाया जाता है, प्लास्टिक से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, लेदर से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो सेमी फिनिश गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब वह गुड्स जो किसी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में इनपुट में यूज किया जाता है, इनपुट के रूप में यूज किया जाता है। तो सेमी फिनिश गुड्स क्या हो गया बच्चों, इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को बच्चों कहते हैं नेशनल इनकम। ये याद रखोगे, नेशनल इनकम का क्वेश्चन है जीडीपी का। तो व्हाट इज़ द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, नेट नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम में बच्चों इनकम फ्रॉम एब्रोड इंक्लूड नहीं होता है, और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड इंक्लूड होता है। ग्रॉस तो होगा ही नहीं बच्चों, नेट की बात हो रही है। तो आंसर ए हो जाएगा, नेट नेशनल इनकम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में इनमें से कौन कौन इंक्लूड होते हैं, तो सारे जितने भी इनकम दिख रहा है, रेंट और वेजेस ये बच्चों इनकम है, सैलरी इंटरेस्ट ये भी इनकम है, प्रॉफिट ये भी प्रॉफिट इनकम, तो सभी हो जाएगा बच्चों, सभी नेशनल इनकम इंक्लूड होता है। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देख लो बच्चों, व्हाट डज द बजट लाइन इंडिकेट। बजट लाइन को बच्चों प्राइस लाइन भी कहा जाता है। प्राइस लाइन का सीधा सीधी मतलब समझो कि एक ऐसा लाइन जिसके बियॉन्ड जाकर कंज्यूमर परचेज नहीं कर सकता है, जिसके बियॉन्ड कंज्यूमर गुड्स का परचेजिंग नहीं कर सकता है, इसी लाइन तक कंज्यूमर का परचेजिंग पावर है, इसी लाइन तक में जितने भी प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेगा वो खरीद लेगा, लेकिन उस लाइन के बियॉन्ड जाकर वो खरीद नहीं सकता। सीधा सीधी बजट लाइन का मतलब
औकात की रेखा, मतलब कि बेटा इतना आपका लाइन है या आपका औकात का लाइन है, आप इस औकात के उस पार नहीं जा सकते, सीधा सीधी मतलब समझ गए। तो व्हाट डज द बजट लाइन इंडिकेट? प्राइस रेशियो। बजट लाइन, प्राइस लाइन, प्राइस मेन फैक्टर है ना, आप प्राइस देखकर गुड्स को परचेज करते हो। तो बजट लाइन का मतलब, बजट बनाने का मतलब हम गुड्स का प्राइस देखकर कर रहे हैं। अगर हमारा है कि हम 3,000 रुपये तक का शर्ट खरीद सकते हैं तो, या 3,000 रुपये तक का कंजम्पशन खरीद सकते हैं, तो 3,500 रुपये का गुड्स आप नहीं खरीद सकते, तो ये बियॉन्ड द लाइन हो गया। तो आपका प्राइस लाइन कितना बन गया? 3,000 रुपीज़ तक का बन गया। तो व्हाट डज द बजट लाइन इंडिकेट? कहेंगे प्राइस रेशियो। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड अपीयर्स व्हेन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि जैसे ही गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा, जैसे मान लो 10 पे 2 पीस है, जैसे ही गुड्स का प्राइस बढ़ाते हैं डिमांड क्या हो जा रहा है? कम जा रहा है। इसी को कहते हैं बच्चों कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसमें यूज होगा इफ़ अदर थिंग्स बींग इक्वल, मतलब कि प्राइस को छोड़कर डिमांड के सारे फैक्टर्स कॉन्स्टेंट होने चाहिए। सिर्फ प्राइस चेंज होगा तो प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाता है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो आंसर ए हो जाएगा बच्चों, प्राइस राइजेज एंड डिमांड फॉल्स। इसी का उल्टा होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इसी का अपोजिट क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में क्या होता है कि प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा और डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। इसमें भी अदर थिंग्स बींग इक्वल है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड अपीयर्स व्हेन प्राइस राइजेज एंड डिमांड फॉल्स। आंसर ए। नेक्स्ट बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एक्सप्रेसेस द डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है? तो डिमांड फंक्शन का मतलब डिमांड और डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बीच के फंक्शनल रिलेशन को डिमांड फंक्शन कहा जाता है। कैसे उसका इक्वेशन बनाएंगे? तो डी एक्स इक्वल एफ पी एक्स पी आर वाई टी, ये सारे डिमांड के फैक्टर हो गए। अगर अदर थिंग्स बींग इक्वल है, यानी कि प्राइस को छोड़कर डिमांड के सारे फैक्टर्स कॉन्स्टेंट है, तब डिमांड फंक्शन का इक्वेशन क्या बनेगा? तो डी एक्स इक्वल एफ पी एक्स। तो ऑप्शन में देख लो डी एक्स इक्वल एफ पी एक्स, आंसर सी बच्चों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव मीन ऑफ प्रोडक्शन। देखो बच्चों, प्रोडक्शन के दो माध्यम होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। हम ह्यूमन लोग किसमें आ जाएंगे? एक्टिव में आ जाएंगे। और मशीन, पैसा, लैंड, ये सब किस में आ जाएगा? पैसिव में आ जाएगा। तो इनमें से कौन एक्टिव मीन है प्रोडक्शन का? कैपिटल बच्चों पैसिव हो गया, जिसमें जान नहीं हो। लेबर, लैंड क्या हो गया? पैसिव हो गया। एक्टिव क्या हो जाएगा बच्चों? लैंड। आंसर हो जाएगा बच्चों डी। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड्स आर देयर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन टाइप का होता है बच्चों। एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और एक होता है आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और एक होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितने होंगे? तीन हो जाएंगे। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 डिग्रीज होते हैं बच्चों। तो डिग्रीज नहीं पूछ रहा है बच्चों, टाइप्स पूछ रहा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन टाइप का होता है। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स इज। देखो नेसेसरी गुड्स में क्या होता है ना कि अगर गुड्स का प्राइस चेंज भी करोगे तो डिमांड स्टेबल रहेगा, यानी कि बहुत कम इलास्टिसिटी होगा, लेस देन वन होगा, लेस देन वन। नेसेसरी गुड्स जैसे कि आप ले लो खाने पीने का चीज़ ले लो, नमक ले लो, इन सब का, इन सब में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? बहुत कम होता है, लेस देन वन में आ जाएगा बच्चों। आंसर डी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव कॉस्ट ऑफ, अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक और नाम है क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, इन विच इकोनॉमी आर डिसीजंस टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। इनमें से कौन सा इकोनॉमी आपका प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर डिसीजन लिया जाता है? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर प्राइस डिटर्मिनेशन किया जाता है, प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं। अमेरिका, यूएसए, कनाडा, इन सब में कौन सा इकोनॉमी है? आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और इंडिया में कौन सा इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी बच्चों, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, इन सब में, सॉरी रशिया नहीं, चाइना हो गया, रशिया भी है, रशिया, चाइना, ये सब क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में आ जाएगा। तो प्राइस मैकेनिज्म का यूज कौन से इकोनॉमी में होगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। हमने टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए,
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देख लोगे, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है लेक्चर। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।